नमस्कार दोस्तों, इंडिया बोलेगा में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आइए जानते हैं आज की जौनपुर की 10 बड़ी खबरों को। आदर्श रामलीला धर्म मंडल समिति मोहरिया में हुआ धनुष्य का मंचन, परशुराम लक्ष्मण संवाद देख दर्शक हुए भाव विहोर। धनुष के टूटते जय श्री राम के नारों से गूंज उठा पंडाल। आपको बता दें कि सुजानगंज क्षेत्र के ग्राम सभा मोहरिया में चल रहे आदर्श रामलीला धर्म मंडल समिति के अथक प्रयास से चला आ रहा है। शनिवार की रात दूसरे दिन रामलीला में सीता स्वयंवर में शिव जी का धनुष टूटते ही दर्शक भाव विहोर हो गए। वहीं आपको बता दें कि पूर्व सांसद धनंजय सिंह के जन्मदिन पर शहर भर में जगह जगह लगी होर्डिंग बनी चर्चा का विषय। आपको बता दें कि राष्ट्रीय नौजवान सभा के संस्थापक और पूर्व सांसद धनंजय सिंह के जन्मदिन के अवसर पर जौनपुर शहर और आसपास जगह जगह होर्डिंग इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है। वहीं आपको बता दें कि थाना बरसठी पुलिस ने हत्या के मामले में वांछित अभियुक्त रोहित यादव उर्फ गुड्डू यादव को किया गिरफ्तार। आपको बता दें कि गिरफ्तार हुए अभियुक्त का नाम रोहित यादव उर्फ गुड्डू है, जो कि ग्राम चमराहा थाना बरसठी जनपद जौनपुर का निवासी है। BNS में हत्या के मामले में गहरी कठार मोड़ के पास से गिरफ्तार कर अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक विविध कार्रवाई की जा रही है। में दिनांक 6/10/2024 को विवेक यादव की अपहरण के बाद हत्या में आज दिनांक 20/10/2024 को वांछित अभियुक्त रोहित यादव उर्फ गुड्डू यादव को गहली कठार मोड़ के पास गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया तथा शेष बचे अभियुक्तों की तलाश की जा रही है, शीघ्र गिरफ्तारी की जाएगी। वहीं आपको बता दें कि सागन क्षेत्र के पखनपुर गांव में मछली मारने को लेकर हुए विवाद की सूचना पर पहुंची डायल 112 के सिपाही ने एक युवक को पीट कर घायल कर दिया। पीड़ित न्याय के लिए दर दर भटकता फिर रहा है, लेकिन न्याय नहीं मिल रहा है। गांव के ही किसी युवक ने पिटाई का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है। वहीं आपको बता दें कि थाना जलालपुर पुलिस टीम ने एक महिला सहित 3 लोगों को शांति भंग करने पर गिरफ्तार करते हुए धारा 170, 126, 135 BNSS में किया गया चलान। आपको बता दें कि गिरफ्तार हुए अभियुक्त का नाम मीरा पत्नी विनोद निवासी ग्राम लालपुर थाना जलालपुर जनपद जौनपुर। वहीं दूसरे व्यक्ति का नाम महाबली यादव पुत्र विभूति यादव निवासी बनवारीपुर थाना जलालपुर जौनपुर और वहीं तीसरे व्यक्ति का नाम ठाकुर प्रसाद यादव निवासी बनवारीपुर थाना जलालपुर जनपद जौनपुर का निवासी है। वहीं आपको बता दें कि थाना बदलापुर पुलिस द्वारा लूट के वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार। एक देसी व एक जिंदा कारतूस, बोरे व लूट का रुपए बरामद। आपको बता दें कि गिरफ्तार हुए अभियुक्त का नाम हर्षित सिंह है, जो कि कठार थाना बदलापुर जनपद जौनपुर का निवासी है। नेवादा मुखिलसपुर अंडर पास के पास से हिरासत में पुलिस लिया है और अग्रिम विविध कार्रवाई है माननीय न्यायालय के में प्रेषित किया गया। वहीं आपको बता दें कि शासन के निर्देश के क्रम में जिलाधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद्र के निर्देश में मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी ओपी श्रीवास्तव द्वारा वृहद गौ संरक्षण केंद्र मदीनपुर बक्सा और अस्थाई गौ आश्रय स्थल साधनपुर बक्सा का निरीक्षण किया गया। वहीं आपको बता दें कि RSS ने निकाला पथ संचलन। रामपुर रविवार को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों ने नगर पंचायत रामपुर के पथ संचलन निकाला, जिसके माध्यम से स्वयंसेवकों ने समाज में एकता व देश प्रेम का संदेश दिया। पथ संचलन बैंड बाजा के साथ मिडिल स्कूल से प्रारंभ होकर पूरे बाजार क्षेत्र में भ्रमण करने के पश्चात समाप्त किया गया, जिसमें भारी संख्या में RSS के कार्यकर्ता अपने ड्रेस में उपस्थित हुए। वहीं आपको बता दें कि मृतिका की पत्नी ने लगाया पुलिस पर हत्या का आरोप। सागंज पुलिस अभिरक्षा में फांसी लगाकर हुई थी मौत। बेटी के पहुंचने से पहले पिता का हुआ अंतिम संस्कार। DM ने मृतक को 5 लाख देने का किया वादा। सागंज क्षेत्र के बड़ा गांव निवासी युवक का शनिवार को पुलिस अभिरक्षा में मौत हो गई थी। पुलिस ने मौत की घटना को आत्महत्या बताकर मामले को शांत करने का प्रयास किया था, लेकिन मृतिका की पत्नी
निन्हदा बिंद ने बताया कि मेरे पति की थाने में हत्या की गई है। वहीं आपको बता दें कि सबरहत का दशहरा मेला भव्यतापूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। शहीद पत्रकार आशुतोष श्रीवास्तव की स्मृति में हुआ दशहरा मेला लंका दीपति के दहन होते ही गगनभेदी नारे जय श्रीराम से गूंजने लगा। सही और सटीक खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की घंटी जरूर दबाइएगा।